तो दोस्तों आईपीएल का महामुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में खेला गया, जिस मैच में दोस्तों एक रन पे जीत दर्ज हुआ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में ये मैच खत्म होने के बाद कौन सी क्रिकेटर को कौन सी अवार्ड में घोषित किया गया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, सारे सच्चे और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको शेयर करूँगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा क्यों इस क्रिकेटर को ये अवार्ड मिला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है कौन है बेहतर कप्तान, विराट कोहली ना ऋषभ पंत, कमेंट में आप जरूर लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने 20 ओवर में 171 रन बनाया था, शुरुआत सही नहीं हुआ था, बीच में कुछ ओवर में गेन मैक्सवेल का तूफानी अंदाज देखने को मिला और रजत पाटीकर ने यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर 50 रनों की योगदान निभाया। मैं आपको बता दूं अंतिम 7 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 77 रन जोड़े और इसमें सबसे ज़्यादा रन एवी डिविलियर्स जी का है, जिन्होंने इस मैच में 42 गेंदों का सामना करते हुए 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से 75 रनों की पारी खेली। स्पेशली दोस्तों उन्होंने मार्कोस स्टोनिश का अंतिम ओवर में 23 रन जड़े, जो इस मैच का सबसे महत्वपूर्ण ओवर था। हालांकि दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का यहाँ पे शुरुआत तेज तरार हुआ था, पृथ्वी शॉ आक्रामक अंदाज में बैटिंग जरूर कर रहे थे, हालांकि दोस्तों बीच में कुछ ओवर में स्टीवन स्मिथ और धवन ने अच्छे योगदान नहीं निभा पाया और दोस्तों उसके बाद ऋषभ पंत और शिमरन हिटमेयर के बीच में एक लंबा साझेदारी हुआ और तेज तरार ये साझेदारी सिर्फ 7 ओवर 4 गेंदों में हुआ, जहाँ पे दिल्ली ने 78 रन जोड़े। अंतिम ओवर में जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत था, जहाँ पे दोस्तों पहले 4 गेंदों में मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 4 रन डाले और दोस्तों यहाँ पे अंतिम 2 बॉल में ऋषभ पंत सिर्फ 2 चौके ही जड़ पाए और जिसके वजह से यहाँ पे आरसीबी टीम ने सिर्फ 1 रन पे जीत दर्ज कर पाया। मैं आपको बता दूँ इस मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने वाले एवी डिविलियर्स जी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड में घोषित किया गया है। मैं आपको बता दूँ दोस्तों एवी डिविलियर्स ने इस मैच में सिर्फ 32 गेंदों में अपने अर्धशतक के साथ 42 गेंदों में 75 रनों का पारी खेला और ये इनके वजह से ही एवी डिविलियर्स को इस अवार्ड में घोषित किया गया। इनके अलावा दोस्तों आन एकेडमी लेट्स क्रिकेट सक्सेस का अवार्ड भी एवी डिविलियर्स को मिला है, क्योंकि एवी डिविलियर्स जी ने इस मैच में 5 छक्के जड़े। इनके अलावा दोस्तों इस मैच में मैक्सवेल ने 3 छक्के और शिमरन हिटमेयर ने 4 छक्के जड़े थे। मैं आपको बता दूँ सफारी सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पे शिमरन हिटमेयर को मिला है, शिमरन ने इस मैच में सिर्फ 23 गेंदों का सामना करते हुए अर्धशतक जड़ा था, उन्होंने काफ़ी कुछ कोशिश किया था और एक ओवर में उन्होंने 3 छक्के भी जड़े थे। इनके अलावा दोस्तों वैल्यूएबल एसेट ऑफ द मैच आप स्टॉक्स की तरफ से भी एवी डिविलियर्स को मिला है, जिनको यहाँ पे आप स्टॉक्स की तरफ से सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला है। ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पे दोस्तों एवी डिविलियर्स जी को मिला है, जिनको ड्रीम इलेवन फैंटासी लीग में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला है। और दोस्तों क्रिकेट पावर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ईशांत शर्मा को मिला है, जहाँ पे आरसीबी टीम को पावर प्ले में रोकने में सफल रहे थे यहाँ पे ईशांत शर्मा। और दोस्तों वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पे स्टीवन स्मिथ को मिला है, जिन्होंने एक अच्छा कैच ग्लेन मैक्सवेल का पकड़ा था, जिसके आधार पर यहाँ पे बहुत ही तगड़ा झटका लगा। तो दोस्तों आपने पूरा चीज़ देखा यहाँ पे किस तरीके से किसको अवार्ड मिला है। अगर आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आने पर दिल से एक लाइक ज़रूर करें। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों नॉइज़ के लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ।